खास मौके पर जानना चाहूंगा, जिस विकास के लिए आपने रैली का आयोजन किया था, वो कौन सा विकास और क्या मैसेज? देखिए, आज हरियाणा में चौमुखी विकास हुआ है, गांव गांव के अंदर बहुत विकास हुआ है, और हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके विकास के लिए एक खास उनकी रुचि है, और जहां जहां जाते हैं उन तो वहां पर भरपूर विकास होता है। तो आज इस कार्यकाल की हुड्डा साहब की पहली रैली थानेसर में है, इसलिए सभी लोग जो लोगों के निमंत्रण पर माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सभी बहुत आशान्वित है कि बहुत सी ग्रांट मिलेंगी, बहुत से विकास के काम होंगे, और इसीलिए लोगों में बहुत खुशी है। सर, एक व्यक्तिगत सवाल, आम लोगों का कहना है कि आप जनता के बीच में अच्छा खासा समय देते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि नवीन जिंदल एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक डेडिकेटेड सोशल वर्कर है, एक डेडिकेटेड संस्कारी पुरुष है। कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे आप जनता के लिए समय निकाल पाते हैं और अपने तमाम चीजों को संभालते हुए? देखिए, ये मेरा एक दायित्व बनता है, और कुरुक्षेत्र की जनता ने, हरियाणा की जनता ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है, और जो जिम्मेदारी मेरी बनती है इनका प्रतिनिधि होने के नाते, तो मेरे पूरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरह से निभाऊं, संसदीय क्षेत्र के अंदर भी और संसद के अंदर भी। तो ये एक प्रयास है, और मुझे इसके लिए लोगों का बहुत समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सर, 8 से 9 साल की संसदीय पारी आपकी हो चुकी है, आप हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, जो कि एक मिसाल होगा, जन समर्थन आपके मुहिम पर मुहर लगा रहा है, लेकिन 9 साल के संसदीय पारी के बाद आज नवीन जिंदल के पास चुनौती क्या है? देखिए, बहुत सी चुनौतियां हैं। मेरे हलके के अंदर 20 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है, और देश के अंदर तमाम समस्याएं हैं, तो मैं केवल अपने कोई संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं हूं, मैं पूरे देश के लिए मैं काम करना चाहता हूं, चाहे वो पूर्व उत्तरी क्षेत्र हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो पश्चिमी भारत हो, मैं पूरे देश के युवाओं के लिए काम करना चाहता हूं, पूरे देश के लिए काम करना चाहता हूं। जैसे बहुत सी देश के अंदर चुनौतियां हैं, एक तो मैं मुख्य रूप से देश की जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए काम करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं और बच्चे ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये है कि लोगों को शिक्षा के द्वारा हम छोटा परिवार सुखी परिवार रखें, और इसके अलावा बहुत सी चुनौतियां हैं जिनके हम सबको मिलकर काम करना है।